बस्ती जिले में जनसेवक संतोष वर्मा ने 22 जनवरी अयोध्या रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को घर घर मंदिर मंदिर दीपक जलाने के लिए अपील की। संतोष वर्मा ने 2,51,000 से अधिक हनुमान चालीसा वितरण का लक्ष्य पूरा किया। नंगे पैर गांव गांव शहर शहर डोर टू डोर लोगों से मिलकर हनुमान चालीसा वितरित की और कहा पूरे भारत में कल के दिन अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में सभी लोग दीप जलाकर उत्सव मनाएंगे। संतोष वर्मा लोकसभा की दावेदारी भी बस्ती कर रहे हैं और अगर हमको टिकट मिलेगा तो पहला लक्ष्य बस्ती का विकास करना है। सभी को जय श्री राम। सभी देशवासियों और प्रदेशवासियों क्षेत्रवासियों को सभी को जय जय श्री राम, जय हनुमान। ये जो वितरण का कार्यक्रम हुआ है इसमें हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे देश के हिंदू हृदय सम्राट आदित्यनाथ देवी जी के महाराज के नेतृत्व में और हनुमानगढ़ी के महान राजूदास जी के नेतृत्व में बहुत सुंदर कार्य हुए हैं पूरे जिले में और कई जिले में वितरण हो गए हैं। कार्ड तो कई जगह पहुंच गए और ये आप सबका भी इसमें बहुत सहयोग रहा है। मीडिया बंधुओं का भी, सबका, इसमें जितनी जनता है, ईश्वरी जनता है, जनार्दन है, सबका बहुत अच्छा सहयोग मिला है। पूरे बस्ती जनपद में बहुत सुंदर कार्य किया गया है, ये आप सबने देखा है। और हनुमान चालीसा घर घर पहुँचाने का ये कार्यक्रम मैंने स्वयं किया है। बाजार में पूरे जनपद में मैं खुद स्वयं चल के गया हूँ सारे जनपद में और सभी देशवासियों प्रदेशवासियों को क्षेत्रवासियों को ये कहना चाहता हूँ, कल भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा है। सब अपने गांव में, मंदिर में, जनपद में, जहाँ भी रहेंगे सब दीप जलाएंगे और प्रभु श्री राम को आराध्य देव हमारे विराजमान हो गए हैं। इसी में पूरा विश्व राममय है। तो बस्ती जनपद की जनता से भी कहना चाहता हूँ कि एकदम सुंदर और भव्य सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।